नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि सोनी, रश्मि सोनी लाइव चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जिंदगी के सफ़र में चलते चलते हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो जहन में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही मुझे बहुत से लोग मिलते चले गए जिन्हें मैंने अपनी ज़िंदगी के पन्नों में संभाल के रख लिया। ऐसे ही एक पन्ना मैं आज आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ, जिनका नाम है अंजू बंसल। दोस्तों, अंजू बंसल जी से मैं आपको रूबरू कराने से पहले आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। अंजू बंसल जी एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है और सोसाइटी में बहुत ही खूबसूरती से उसको मूव कर रही हैं। अंजू बंसल जी कार्य प्रणाली इस तरीके से है कि वह लोगों को अपने साथ लेकर चलती हैं और बाद में लोग उन्हीं बातों को उनकी सराहना भी करते हैं। तो अंजू बंसल के मुख से उन्हीं के शब्दों में उनकी बातों को हम लोग आप सब मिलकर सुनते हैं अपने स्टूडियो में। अंजू बंसल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रश्मि जी। हेलो एवरीवन। अंजू बंसल जी, ये जो आपने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी, तो क्या सोचकर और ये क्या आपके दिमाग में एकदम से आया कि मेरे को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में मूव करना है? एक्चुअल में रश्मि, इट वॉज़ नॉट प्लान्ड। इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी। आई एम ए वेरी मच इन टू हाउसवाइफ और हाउसवाइफ होममेकर। ओके। एक्चुअल में क्या हुआ, मेरे को मौका मिला, मैं बाहर जाके आई। वहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने कनाडा में लोग घर में रही। जब घर में रही तो पता चला कि साफ़ सफाई के प्रति लोग कितने अवेयर हैं। वो देश हमें देखने में सुंदर लगते हैं जबकि हमारा हिंदुस्तान से ऊपर कुछ नहीं है। आई रियली अप्रिशिएट, ऑलवेज अप्रिशिएट, हिंदुस्तान से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कमियां हैं जो हमें सुधारनी है। वहाँ पड़ोस में किसी का उनका रैंप ख़राब था, तो उन्होंने उससे बोला कि मेरे घर की सुंदरता यह ख़राब कर रहा है। तो उन्होंने MCT में कॉल करा। हम लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, मैं सुबह डेली देखना कहीं चार रोटियां पड़ी हैं, कहीं पे सब्जी खाली कटोरी कर रखी है, गाय घूम रही है, उसका काऊ डंक है। तो हम लोग गांव से उठ के शहरों में आ गए हैं, लेकिन ये नहीं कि संस्कृति भूल जाए या कुछ है, वो तो हमारे साथ ही चलेगी, लेकिन उसको हमने जिस तरीके का रहना सहना है उस तरीके से हमें सभी चीज़ों को साथ चलाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उस चीज़ को लेते हुए मैंने आके फ़ोन किया अपनी दो फ्रेंड्स को। मैंने कहा, आशु मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि ये पार्क में इतना गंदा है। तो उन्होंने बोला, बताओ क्या करना चाहते हो। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, हम इसको मिलके किसी तरीके से साफ़ सफाई करें। बोले ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा फ़ोन किया, दूसरे में भी यही जवाब आया, ठीक है हम तेरे साथ हैं। भाई जान तीसरी कॉल करी, तीसरे में भी यही जवाब आया, हम तो पहले से ही चाहते थे। एक फ़ोन किया, वो कहते हमने तो करा के छोड़ चुके हैं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो मैंने कहा चल ठीक है, मेरा भी दिल कर रहा है, मैं भी एक बार करा के छोड़ दूंगी, पर आई वॉन्ट टू ट्राई। तो हमने ट्राई किया, हम निकले शाम को, हम मिले शाम को, हम 15 लेडीज़ वेंट टू डोर और नॉक किया लोगों को, बोला कि ये किसने रोटी गिराई है, ये मत गिराओ। अंदर से डर भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा कि किसी ने बोल दिया कि हु आर यू। तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, सबने अप्रिशिएट किया। वो बस एक जैसे ना मौके की तलाश में होता है कि करना सब चाह रहे थे, वो एक जरिया बन गई, मैं उसको सारे लोग करना चाह रहे थे, अप्रिशिएट किया सबने। तो बाय चांस हमारी फिर सोसाइटी थी वो थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी, छोटे छोटे मन मुटाव थे लोगों में। और हमें लेडीज़, सारा दिन तो लेडीज़ घर में रहती, हमें ये अवेयरनेस नहीं थी कि कौन सा काम किससे कराया जा सकता है, कौन होता है। लेकिन उस टाइम हमारी सोसाइटी में जो प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरीज थे, वो बहुत अच्छे भले लोग थे। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, जब लेडीज़ वैसे भी निकलती हैं सड़कों पे, तो आपने देखा है जब हम 10 लेडीज़, 15 लेडीज़ सड़क पे जाके किसी का बेल, डोर की बेल करती थी, तो वो लोग देखते थे सड़क पे कि क्या हो गया, कि आज लेडीज़ को क्या हुआ, सड़क पे निकली हुई हैं। तो वो जेंट्स तक भी कहानी पहुंची। जब जेंट्स तक पहुंची, उन्होंने हमें बताया कि ये MCD वाले हैं, ये काम करते हैं, ये वो काम करते हैं। तो सारे MCD वाले, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, वो हमारे मियाँ वाली ऑफिस में पहुंच गए। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, हमें अपनी पावर पे बड़ा प्राउड हुआ कि अच्छा ऐसा भी होता है।
तो हम लोगों ने बात करी कि हॉर्टिकल्चर में ये प्रॉब्लम है, सफाई में ये प्रॉब्लम. अगले दिन सारी सफाई हो रही है मियांवाली में, झाड़ू लग रहा है. वी वर अमेज्ड, मतलब मुझे लगा कि हम सरकार को गाली निकालते हैं किसी को भी, पीपल आर रेडी टू डू, जस्ट हमें अपना हाथ एक कदम आगे बढ़ाना है. तो वो चीज़ होती चली गई, होती चली गई, टचवुड. तो उसके बाद एक कदम से कदम आगे बढ़ता चला गया. तो अब आपके साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं जो आपके इसी प्लेटफॉर्म पर चलने के लिए आपके साथ तैयार खड़े रहते हैं? हमने एक वीक में 150 मियांवाली की लेडीज को जोड़ा था. बहुत ही बढ़िया. तो अभी ये 300 है. 300 लेडीज इस टाइम आपके साथ हैं. तो अभी सुनने में, जो अभी थोड़ी देर पहले जब हम स्टूडियो में आने से पहले हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तो आप बता रहे थे कि अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स आपने अपनी सोसाइटी के ही लोगों को जोड़ा हुआ था, और अब आप बता रहे थे कि हम लोग अब अपनी जो साथ वाली और जो सोसाइटीज़ हैं उनको भी अपने साथ जोड़कर चलना चाह रहे हैं. तो उसमें आप किस तरीके से रोल जो है, कैसे लोगों को जोड़कर और आपस में कोऑर्डिनेशन बना के सुंदर सा रखेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, पहले हम लोग हम होम मेकर्स थे. हमने कभी कुछ नहीं लाइफ में किया था, जैसे कोई बोलता था वैसे करते थे. तो हमें था कि ये तो हमारा घर है, मियांवाली नगर हमारा घर है, तो इसमें अगर कुछ अच्छा होगा बुरा होगा तो वो हमें नहीं संभालना है, पूरे परिवार ने संभालना है. तो इसलिए हम बाहर निकलते हुए थोड़ा डर रहे थे. लेकिन अभी हमें बहुत कुछ आ गया, बहुत कुछ हमने सीख लिया, बहुत कुछ समझ आ गया, बहुत कुछ सीखने का बाकी भी है. तो अब हमने सोचा कि हम जो कार्यक्रम से हमारा मियांवाली का मान बढ़ा है, तो वो चीज़ें हम आसपास की सोसाइटीज़ में भी करें और लोगों को भी प्रमोट करें, जो लोग करना चाहते हैं, लेडीज़ आगे बढ़ के कुछ करना चाहती हैं. तो इस जो आपने एक अपना ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में कुछ एंटरटेनिंग लेडीज़ को कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि जो उनको भी कुछ सीखने को मिलता है, या एक ग्रुप ऐसा बन जाता है कि चलो थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता है घर से? हाँ रश्मि जी, अगर हम किसी से काम भी कितना करवाएंगे ना, काम के साथ बाद उनको रिवार्ड भी देना जरूरी है. कुछ ना कुछ खाना पानी और वो सब भी जरूरी है. तो उसके लिए हम लोग क्या है, डे टू डे ग्रूमिंग, बहुत चीज़ें बनने के बाद करी. पहले हमने ये देखा कि लेडीज़ ना खाली टीवी पे बैठे सीरियल्स देखने, और सीरियल में जो नेगेटिव करेक्टर है वो दूसरा है और जो पॉजिटिव करेक्टर है वो मैं हूँ. उसके बाद हम उस सीरियल उस करेक्टर में उतर आते हैं. तो वो मैंने एक दिन पूरा देखा, एक दिन वन डे आई स्पेंट ऑन टीवी. ओके. तो उसके बाद देन आई रियलाइज हाय मेरा सर बहुत भारी हो रखा है. तो मैंने कहा ये यार सारे लोग इसका मतलब सारे भारी सर के शिकार हैं. तो हमने ग्रूमिंग सेशंस शुरू किए, मेकअप ग्रूमिंग, साड़ी ड्रेपिंग की क्लास जिसमें चाय नाश्ता होता था, केक मेकिंग की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट. तो अपने मेंबर्स में से किसी को साड़ी बनानी आती है तो उसने साड़ी सिखाई, किसी को मेकअप अच्छा करना आता है उसने मेकअप सिखाया, स्कार्फ टाइम की क्लास कराई. तो इस तरीके, अच्छा जब हम ग्रुप बन जाते हैं तो लोग खुद भी आपको कॉन्टेक्ट करते हैं. तो उस वजह से हमने केक मेकिंग की क्लास भी कराई. तो इस तरीके से हमारी क्लासेस का सिलसिला चलता रहा. अभी पीछे विमेंस डे था तो हमने कैंसर के ऊपर लेडीज़ को अवेयर कराया. अंजू जी, अभी आप ये जो बात मैंने आपसे कर रहे थे, चल रहा था सिलसिला हमारा बातों का, उसमें मैंने आपसे एक बात पूछी कि जो आप साथ में और भी सोसाइटीज़ को अपने साथ कंबाइन करने जा रहे हैं, तो उसको किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट करेंगे? मैंने जैसे फ्रेंड्स के आगे फ्रेंड्स हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं. पहले हमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमें भी क्लब में ले लो जब एक्टिविटीज़ चल रही थी. ओके. तो हम मना कर देते थे, थोड़ा तकलीफ भी होती थी कि फ्रेंड्स हैं तो. लेकिन हमें थोड़ा सा हम घबरा रहे थे. अब उन लोगों को हमने बोलना शुरू किया कि वी वॉन्ट टू यू कैन ज्वाइन अस. लेकिन 101 लोग लेने के बाद एक बार फिर पॉज करेंगे. अच्छा, मतलब अभी आप एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि आपने अपनी सोसाइटी के साथ 100 ऐसी लेडीज को जोड़ना है जो एक आपके साथ प्लेटफॉर्म पर सेम टू सेम चल सके. यस, मेन थीम आपका ये है. ओके. और अभी ये जो आप भी आपने मुझे थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे इंटरव्यू से पहले, ये आपने एक बहुत सुंदर एक डीजे डांडिया डिनर ऑर्गेनाइज किया है, इसके बारे में आप मुझे प्लीज़ कुछ बताएंगे? इसके बारे में बताने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ. ज़रूर ज़रूर.
ये जो हमने प्रोजेक्ट हमारा मंगलम शुरू हुआ था वो इस प्रोजेक्ट को लेके शुरू हुआ था, क्लीनलीनेस को। मोदी जी तो बाद में आया, 2012 में हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो गया था। अच्छा, तो उस पर मोदी जी के आने से ही वो सोने पे सुहागा हो गया कि हमें वो प्लेटफॉर्म मिल गया। यस, अब ये है वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें ये सर्वे है कि कितने लोग इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कितने लोग वाकई चाहते हैं कि हमारे घर बाहर, जैसे हमारे घर साफ़ हैं वैसे ही हमारा सराउंडिंग भी क्लीन हो। जब ये सर्वे हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में। तो इस सर्वे में मेन आपने मतलब क्वेश्चन किस तरीके से रखे हुए हैं जो कि आपको लगता है कि लोग आपके साथ जुड़े हैं? यस, कि लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पता है, वो चाहते हैं इसमें पार्टिसिपेट करना, अगर हाँ तो कितना मिनिमम पैसा खर्च करना चाहेंगे, क्योंकि हर एक काम में पैसे तो हैं, कि कितना पैसा वो मिनिमम खर्च करना चाहेंगे। नहीं चाहेंगे तो भी कोई बात नहीं, वो मतलब जेन्युइन हमें पता चलेगा कि वाकई लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, सफाई के बारे में पता है, तो ये सर्वे उसके बारे में है। और अब ये है डीजे सुमित, ही इज़ ए सेलिब्रिटी सुमित डीजे। Okay. और हमारा फर्स्ट फैमिली फिएस्टा है मंगलम में, आज तक जितने भी प्रोग्राम हुए हमारे लेडीज़ के साथ ही हुए, तो इट्स ए फर्स्ट फैमिली फिएस्टा, डीजे डांडिया डिनर एट सेवन सीज लॉरेंस रोड ऑन 7th of October। तो इसमें आउटसाइडर्स भी जो है वो भी अलाउ है? यस, क्योंकि हमें मंगलम को तो पता ही है हमारा मोटिव। अच्छा। अब बाहर वालों को भी बताना है ना अपना मोटिव। तो आपने ये जैसे एक तो ये प्रोग्राम बताया, और इसके अलावा और आप किस किस चीज़ से एसोसिएट्स हैं जैसे कि बेनिफिशियल? रश्मि जी, पहले तो 2012 में हमने ये बनाया, 14th October में हमने एक एसोसिएशन बनाई, अक्स AKS, वो मेरा प्राइवेट वेंचर था। ओके। जिसमें हमने एक साल में 5 एग्जीबिशंस करी, वो मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, पहले मैं अपना कॉन्फिडेंस बताती हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस आ गया था मंगलम के बाद कि मैंने अपना इवेंट भी किया। okay, उसके बाद मैं एक हमारी रेकी का सेशन चल रहा है, वो भी मंगलम से इंट्रोड्यूस हुआ था, बॉम्बे से रेकी के लिए आते हैं, रेकी का सेशन होता है। ओके। उसमें से कुछ लेडीज़ ने वो रेकी सीख के रेकी सिखानी शुरू कर दी है मंगलम में, और एवरी फ्राइडे रेकी सेशन होता है मंगलम में, रेकी सत्संग होता है। हमने सुजोग सीखा आर्मी कैंप से, आर्मी में सिविलियंस को वो ये नहीं सिखाते, लेकिन उन्होंने हमारी डेडिकेशन देख के उन्होंने हमें सुजोग थेरेपी सिखाई, जिसमें सेल्फ हीलिंग और अदर्स को भी आप हीलिंग दे सकते हैं विदाउट मेडिसिन, विद मूंग दाना, विद सीड्स और लाइक। तो वो चीज़ें, देर आर सो मैनी थिंग्स टू लर्न, तो ये हमें मंगलम में बहुत सारे हमने बेनिफिट इस टाइप के लिए। तो अंजू जी, जैसे अभी आपने ये चीज़ें सब हमें शेयर करी, तो इसके अलावा आपके ये जो सारा सर्कल जो अभी आप एक प्लेटफॉर्म पर सब लेडीज़ को इकट्ठा लेकर आई हैं, तो इसमें आप कुछ सोशल वर्क में भी इसको कन्वर्ट करती हैं? हाँ जी, इसमें कुछ लेडीज़ का हमारे सपना था कि जो जैसे हमारे कॉलोनी में मेड्स आती हैं जो 60+ हैं फिर भी काम करती हैं, हम उनको काम करना रोकना नहीं चाहते, वो भी काम करें, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता ना, वो अपना उतना थोड़ा बहुत जैसे किया 2-3 हज़ार 4 हज़ार महीने में कमा लिया, तो उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो हमने उनको एक किट देते हैं मंथली, जिसमें देसी घी, ऑयल, ये चावल, गेहूं का आटा, चीनी, इस तरीके से उसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 30 लेडीज़ हैं जो मियांवाली में काम करती हैं, और हम उनको। अंजू जी, ये तो एक बहुत ही नेक काम है जो आप कर रहे हैं अपने इस ग्रुप के साथ मिलकर, तो इस तरीके से और अपनी अचीवमेंट। हाँ जी, एक हम गाय ग्रास की रिक्शा भी हमारे चलती है, जो सड़क पे रोटी हुआ करती थी मैंने आपको बताया, वो अब वो रिक्शा में जाने शुरू हो गई, अभी हम छिलके नहीं ले रहे थे, इस माध्यम से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अब विंटर्स में मटर के छिलके और वो सब भी आएंगे, तो वो भी हम सड़कों पे ना डालकर उसमें गाय ग्रास की रिक्शा में डालें, तो वो जहाँ पे आप पहुँचाना चाहते हैं वहीं पे स्वच्छ तरीके से पहुँच जाएंगे। अंजू जी, आपने बहुत ही ये नेक काम किए हैं, और कुछ ऐसा जैसे कि लेडीज़ के लिए घर से निकलना, घर को भी देखना, बाहर के कामों को भी देखना,
और आप तो अब इस दौड़ में बहुत ही आगे निकल चुकी हुई हैं, तो आप अपने घर को किस तरीके से मैनेज करती हैं कि घर वाले भी खुश और जो इस काम में आप लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं उसमें भी लोग आपके साथ हैप्पी रहते बहुत हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा रश्मि जी आपने। एक्चुअल में जब हम कुछ करते हैं ना तब हमारी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाती है, और जब हम करना शुरू करते हैं ना तो टाइम मैनेजमेंट, आई एम वेरी हैप्पी। पहले होता था सोए रहना, खाली बैठे रहना, उसके बाद सोचना कि हम यार क्या प्रोडक्टिव किया। अब आपके पास पूरे दिन की एक लिस्ट होती है, आप सुबह मॉर्निंग भी उठती हूँ, मॉर्निंग वॉक भी करती हूँ, योगा भी इवनिंग में 6 o'clock योगा भी होती है, मंगलम में भी योगा सेशन चलते हैं, तो अब क्या है सारी चीज़ें अपने आप लाइन में आई हुई हैं। इतने बजे नाश्ता होना है, इतने बजे, वो सारा कुछ डिसिप्लिन हो गया। पहले खाली रहते थे, जब दिल किया कुछ कर लिया, दिल किया नहीं किया, तो अब सारा कुछ ऑन द ट्रैक है, बहुत अच्छा। तो इसमें आपके हस्बैंड का रोल कैसा रहा आपके साथ? सही बताऊं तो उन्होंने कभी भी मुझे किसी काम के लिए रोका नहीं, बहुत ज़्यादा प्रमोट भी नहीं करा लेकिन रोका भी नहीं, और आज के दिन वो पूरा मेरे साथ, बिल्कुल 100% मेरे साथ हैं। वो किसी काम के लिए, उनको ट्रस्ट है कि जो भी कर रही है कुछ सोसाइटी के भले के लिए और इसके खुद के लिए अच्छा है, तो वो हमेशा मेरे साथ हैं। अंजू जी, आपकी बहुत सुंदर जर्नी रही जिसमें आपने घर से बाहर निकलकर अपने साथ बहुत सारी लेडीज़ को जोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आई हैं, जिसमें आपने एक सोशल वर्क भी करा, कई घरों के चूल्हे जो जलते नहीं थे उनको राशन देकर उनको भी एक मोटिवेट किया, और जिनके पास काम नहीं था आपने उनको काम भी दिया। ऐसे अभी आपने जैसे बताया ही आपने कि उन लेडीज़ को जो आपके साथ एक क्लब लेकर चल रही हैं, वो लेडीज़ की जिनको जो काम आता है उन्हीं को ही काम देकर उन्हीं को ही बिजनेस भी दिया। तो ऐसे ही चलते चलते कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसमें खूबसूरत सा इंसिडेंट जो कि अभी भी जब आप वो याद करते हैं पल तो आप खुद ब खुद अपने ऊपर भी प्राउड करते हैं? रश्मि, बहुत ऐसा हो जाता है, जैसे मैंने बताया कि पहले क्या होता था, थोड़ा सा मना के निकलना पड़ता था घर से, और कभी उन्होंने बोला नहीं कि हाँ तू कर ले काम, ना हाँ ना ना जैसा होता है। लेकिन मेरी एक एग्जीबिशन के बाद आई क्राइड अ लॉट, मुझे ऐसे लगा कि मैंने आज मैं रिलैक्स हो गई हूँ, तो आई क्राइड अ लॉट, खुशी के आंसू थे बिकॉज इट वॉज़ ए वेरी गुड इवेंट। तो उनको लगा कि पता नहीं क्यों रो रही है, तो ही माई हस्बैंड ही केम टू मी एंड ही सेड कि आई एम प्राउड ऑफ यू, यू डिड अ वेरी गुड जॉब। तो पीछे से जैसे उन्होंने फिर मुझे एक दो कॉम्प्लीमेंट्स बोले कि लोग वो सुन रहे थे चीज़ों को जो मुझे नहीं पता, और शायद वो मुझे कभी बताते भी ना, और उस टाइम उन्होंने मुझे बताया कि लोग तेरे बारे में ऐसे बातें कर रहे थे और आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ इट। अंजू जी, आप ये रेकी, योगा, सजोग, अक्स एग्जीबिशन, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा भी मेरे अंदर क्वेश्चंस और बातें हैं जो मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ, लेकिन समय को देखते हुए हमें अभी ऑडियंस से विदाई लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको फिर से एक बारी ज़रूर अपने स्टूडियो में लाना चाहूँगी जिससे कि हम भी और ये ऑडियंस भी हैं आपको फिर से सुन पाएँ। और अभी टाइम को देखते हुए मैं अपने इस इंटरव्यू को यहीं पर विराम देना चाहूँगी, और अंजू जी आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी आपको हमारे स्टूडियो में आकर कैसा लगा। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू कैपिटल वन टीवी कि उन्होंने मुझे मौका दिया, मैं अपने विचार आप सबके साथ शेयर कर पाई और अपनी एक्टिविटीज़ में आप सबको बता पाई, और मैं सब लेडीज़ को बोलूँगी कि अपने टाइम को वेस्ट ना करें, उनको क्रिएटिव कामों में ज़रूर लगाएं, अपनी कैपेसिटी को पहचानें। रश्मि जी, मैं आपके काम की भी सराहना करती हूँ, रश्मि सोनी लाइव शो जो रश्मि जी ने स्टार्ट किया है, इट्स ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म, जो आप अपने मन की बात किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो किसी को नहीं पता, वो उसका किसी ने पूछा ही नहीं आज तक कि इसका इवेंट का कारण क्या है या किसी चीज़ का कारण क्या है। तो रश्मि जी ने जो रश्मि सोनी लाइव प्रोग्राम शुरू किया है, दिस इज़ ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म, आप इस पे आइए और अपने आप को प्रमोट करिए, बताइए अपने इवेंट के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, अपनी सोच के बारे में। थैंक यू, थैंक यू अंशु जी।
दोस्तों, अभी आपने अंजू जी को सुना और देखा आपने कि एक हस्बैंड जो एक स्टैब्लिश हस्बैंड है, जो कि हम लोग आम दुनिया में देखते हैं कि जो हस्बैंड जो स्टैब्लिश हस्बैंड हैं वो हमेशा चाहते हैं कि जो हमारी वाइफ है वो घर को ही देखें और घर पर ही रहें। लेकिन अंजू बंसल जी हमारे सामने एक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर एग्जाम्पल हैं। और आपने अभी उनकी बातों में सुना कि जब उनके हस्बैंड ने उनके शोल्डर पर हाथ रखकर बोला कि आई एम प्राउड ऑफ यू, तो दोस्तों ये लेडीज़ के लिए एक बहुत बड़ी लाइफ की अचीवमेंट है। तो मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहूँगी, आपके पास भी ऐसी ही कुछ बातें हैं तो आप मेरे रश्मि सोनी लाइव चैनल पर आकर हमारे साथ, हमारे स्टूडियो पर आकर ऑडियंस के साथ शेयर करें। मेरे से मिलने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए इन नंबर्स पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगले हफ्ते ऐसी ही एक खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।